हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय हेचली रसोई। आज मैं आपके साथ नवरात्रि एक और रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वो है दही भल्ले। ये दही भल्ले बिल्कुल खाने में उतने ही टेस्टी लगते हैं जितने कि हम नॉर्मल बनाते हैं। मैं इसे पनीर, आलू और सिंघाड़े के आटे के साथ बनाऊंगी, जिससे ये खाने में और ज्यादा टेस्टी हो जाते हैं। दही भल्ले की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। फलाली स्टफ भल्ला बनाने के लिए मैंने लिए हैं ये 3 मीडियम साइज के आलू, जिसे मैंने उबाला हुआ है। आप इस तरह की कोई भी रेसिपी बनाएं, आलूओं को कभी भी ओवर कुक ना करें। और जितने मैंने आलू लिए हैं उसका जस्ट हाफ मैंने पनीर लिया है, और आधा कप मैंने लिया है ये सिंघाड़ी का आटा। आप चाहें तो कूटू का आटा भी यूज कर सकते हैं, और वजन में देखेंगे तो ये करीब 100 ग्राम आटा है। हरी मिर्च एकदम बारीक कटी हुई, नमक टेस्ट के हिसाब से, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, और ये गरम मसाला होममेड है इसलिए हम इसे व्रत में यूज कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून मैंने लिया है भुना हुआ जीरा, जिसे मैंने पीसा हुआ है। आधा छोटा चम्मच ली है चीनी, और भल्लों के लिए जरूरत के हिसाब से यूज करेंगे हम दही, हरे धनिया की चटनी, और ये भी मैंने स्पेशली व्रत के लिए पीसी हुई है और मैंने इसमें सेंधा नमक का यूज किया है। गार्निशिंग के लिए थोड़े से अनार, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 10-12 काजू, 20-25 मैंने ली है किशमिश। और भल्लो को डीप फ्राई करने के लिए हमें जरूरत होगी रिफाइंड ऑयल की। सबसे पहले ये जो आलू है इसे हम बड़े बर्तन में कर लेंगे और आलूओं को फोड़ लेंगे, और इस पनीर को भी हाथ से क्रश कर लेंगे। इसी में हम ये पनीर भी डाल देंगे। हम इसे पलार के लिए बना रहे हैं इसलिए हम इसमें लाल मिर्च का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसलिए मैंने ये 3-4 हरी मिर्च और आधा इंच अदरक का टुकड़ा कद्दूकस करके रखा है, इसे भी हम इसी में मिला देंगे। गरम मसाला डाल देंगे, भुना हुआ जीरा डाल देंगे, किशमिश। अगर आप इसमें मीठा टेस्ट पसंद नहीं करते तो आप किशमिश ना डालें। ये काजू को मैंने मोटा मोटा काट लिया है, ये भी इसी में डाल देंगे। हरा धनिया, ये सब चीजों को एकदम अच्छे से मिलाने के बाद में लास्ट में हम इसमें नमक डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, और नमक को भी अच्छी तरह मिला लेंगे। और उसके बाद हम इसके बॉल्स बना लेंगे, और इसके बाद हम इसमें छोटा छोटा पोर्शन लेते जाएंगे, एक नींबू के साइज का, या आप जितने बड़े भी भल्ले बनाना चाहते हैं आप उतना बड़ा पोर्शन ले सकते हैं। और इसी तरीके से मैं ये सारे भल्ले बनाकर तैयार कर लूंगी। अब एक बड़े बर्तन में हमने ये जो सिंघाड़े का आटा लिया था ये डाल देंगे। बहुत से लोगों को कूटू के आटे से प्रॉब्लम होती है, सिंघाड़े का आटा उनके लिए भी सही है। टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा नमक डाल देंगे, और पानी डालकर हम इसका एक गाढ़ा घोल तैयार करेंगे। सिंघाड़े के आटे को इस्तेमाल में लाने से पहले आप एक बार छान जरूर लें। और मैंने ये सिंघाड़े का आटा एकदम से तैयार कर लिया है, और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, जिस तरीके से हम पकौड़ों का घोल रखते हैं ये उससे थोड़ा सा गाढ़ा है। और इसे एक बार अच्छी तरह फेंट जरूर लें। ये सभी बॉल मैंने तैयार कर लिए हैं, और मैंने इन्हें थोड़ा ही फ्लैट शेप दे दी है। ये जो दही लिया था ये भी एक बड़े बर्तन में कर लेंगे। दही थोड़ा गाढ़ा हो तो ज्यादा अच्छा है। इसमें थोड़ा सा नमक मिला लेंगे, क्योंकि हमने भल्लों में भी नमक डाला है और घोल में भी नमक डाला है। और ये चीनी डाल देंगे, इन सब चीजों को एक साथ अच्छी तरह मिला लेंगे। जितने हम भल्लों को सेकेंगे उतने हमारी चीनी घुलकर तैयार हो जाएगी। ये रिफाइंड भी गर्म होने के लिए रखा था, रिफाइंड भी गर्म है। अब हमने ये जो टिक्कियां बनाकर रखी थी ये घोल में डालेंगे, और मीडियम गर्म रिफाइंड में हम इसे डाल देंगे। इसी तरीके से हम एक और डाल देंगे, बस अच्छे से डिप करेंगे और डाल देंगे। ये सभी भल्ले मैंने रिफाइंड में डाल दिए हैं। नवरात्रि के व्रत में बहुत से लोग रिफाइंड खाते हैं और बहुत से लोग नहीं खाते हैं। अगर आप रिफाइंड नहीं खाते हैं तो आप ये काम देसी घी में भी कर सकते हैं। और डालने के तुरंत बाद हम इसे छेड़ेंगे नहीं, इसे करीब हम 1 मिनट तक एक तरफ से पकने देंगे, और उसके बाद हम इसे टर्न करेंगे। और इन्हें एक तरफ से सिकते हुए करीब 1 मिनट हो चुका है, अब हम इसे टर्न कर देंगे। और इसी तरीके से उलटते पलटते हुए हम इन्हें अच्छा करारा होने तक सेकेंगे, और जो जो भल्ले हमारे सिकते जाएंगे उसे हम निकाल देंगे। 3 से 4 मिनट में हमारे भल्ले सिककर तैयार हो गए हैं, अब हम इन्हें सर्व करेंगे। और सर्व करने के लिए
ये जो हमने भल्ले सेक कर रखे हैं इसे दही में डिप करेंगे, प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे, ऊपर से थोड़ा सा नमक डाल देंगे। और नमक डालते हुए इस बात का जरूर ध्यान रखें कि हमने नमक आलू में भी डाला था, घोल में भी डाला था और दही में भी डाला था। और ये जो हमने थोड़ा सा गरम मसाला रोका था ये डाल देंगे, हरे धनिया की चटनी डाल देंगे, अनार डाल देंगे और थोड़ा सा इसको क्रंची टेस्ट देने के लिए हम थोड़े से काजू डाल देंगे। ये हमारे बहुत ही टेस्टी फलारी दही भल्ले बनकर तैयार हो गए हैं। इसे आप जरूर ट्राई करें और कमेंट में मुझे बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। व्रत में खाने के लिए ये बहुत ही टेस्टी दही भल्ले बनकर तैयार हैं। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।